आदिवासी विकास परिषद हेहल कार्यालय के द्वारा आहूत 17 जनवरी 2021 की वार्षिक बैठक सबसे पहले मैं हमारे सभी तो नहीं कहेंगे, अभी मेरे ख्याल से 19 से हम लोग 4 ही जिला में रह गए हैं। हमारे अपने जो आए हुए दूर दराज से अपने जो पदाधिकारीगण सदस्यगण जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक जोहार और नववर्ष की शुभकामनाएं आपको। और आज की इस बैठक में अभी जिनकी आपने बातें सुनी, हमारे प्रदेश कमेटी के संरक्षक एवं अभिभावक डॉक्टर अरुण राव और साथ ही साथ हमारे इस बैठक में उपस्थित हुए हैं श्री संजय कच्छप जी चैबासा से, बसंत तिर्की जी जमशेदपुर से, गढ़वा से श्री सुरेंद्र तरैया और उनके जो टीम आई है, मनमोहन कोरबा, अन्य प्रार्थना में उन्होंने अपनी सहभागिता निभाई सरुण राव जी के साथ में। पाली पंचायत की मुखिया, साथ ही साथ हमारे अपने जिला के अन्य रांची जिला के अपने अन्य जो भी हैं बच्चन राव जी, और महानगर से सुनीता मंडल जी दो हैं उपस्थित, और उनके अलावा लोग नहीं आ पाए। लोगों का गठन ये देखना है कि जहाँ पर नहीं हो पाया है वहाँ पर हम लोग गठन करना है, और साथ ही साथ जो पुरानी जो सदस्यता का जो रसीद वगैरह है वो भी जमा करना है, क्योंकि उसका एक रिकॉर्ड हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है। जब हमसे पूछा जाता है आपके लाइफ मेंबर कितने हैं, एक्टिव मेंबर कितने हैं, तो हमको वो सारा जवाब हमको सेंट्रल कमेटी को देना होता है। तो इसलिए ये रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग बार बार आप लोगों से रसीद बुक वगैरह मांगते हैं, और इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि सदस्यता अभियान जो है वो हम जितना से ज़्यादा अपने लोगों को जोड़ेंगे परिषद से, हमारे अपने उद्देश्यों की में उतनी ही सहूलियत होगी। जितने लोग हम लोग से ज़्यादा जुड़ेंगे और उनका रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा, तो उसके माध्यम से हम उन लोगों तक अपनी बातों को भी पहुंचा पाएंगे। एक अहम बात तो चौथे नंबर पे है, जनगणना 2021 के प्रपत्र में आदिवासी धर्म कॉलम की मांग के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के संबंध में विचार विमर्श भी आजकल है, एजेंडा में है। इसमें हमने 2020 में जो इसको लेके जो भी मांग करना था, जो उसके तहत हम लोगों ने आंदोलन किए जगह जगह पे हुए, मतलब सबने अपनी अपनी इस बात को समझते हुए इस पर अपनी सहभागिता निभाई, बहुत कम हो पाया क्योंकि ये बहुत देर से भी शुरू हुआ। क्योंकि पहले तो अभी हम लोग सबको मालूम है कि सरना धर्म के लिए ज़्यादा रुझान है पूरे झारखंड में, ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो है प्रचार प्रसार उसी का हुआ है, और सरना धर्म कोड की ही मांग यहाँ से झारखंड से भी जाती रही है। मगर ये बात भी आ गई है सामने कि सरना धर्म कोड मांगना व्यवहारिक भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि पूरे देश भर के आदिवासियों की पहचान के आधार पे ही अलग धर्म कॉलम या कोड मिलेगा, जो सिर्फ धरना सरना धर्म के माध्यम से ये नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरे देश भर में 781 जो हमारे जनजाति समूह हैं, आदिवासी समूह हैं, तो सबकी आस्था और जो एक एक में तो नहीं हो सकती, सबकी अपने अपने हैं, अलग अलग आस्था है, तो उसके आधार पे ही लोग वर्षों से अपने अपनी आस्था के आधार पे कोड मांग रहे थे, जिसका 2015 में एक जवाब आ चुका है कि ये व्यवहारिक नहीं है, अलग अलग कोड मांगा जाता है इसलिए इसको रोका जाना चाहिए। फिर 2018 में भी दोबारा हुआ, 2015 में देव कुमार धान जो हैं पूर्व मंत्री और विधायक भी रह चुके हैं, उनके द्वारा ही मांगा गया था, उनको ये जवाब मिला। फिर 2018 में पूर्व MLC
थे ये स्वर्गीय छत्रपति साई मुंडा जी, उनके द्वारा भी यही चिट्ठी जब लिखी गई थी वहाँ दिल्ली में गृह मंत्रालय में जो भेजा गया था, तो उनको भी वही जवाब मिला। तो इसी तरह से देश के बाकी जो लोगों ने, संगठन ने, समूह संगठन ने जो भी इस तरह की मांग रखी, तो सबको यही जवाब मिला है। और आखिरकार लोग समझ गए हैं कि हम लोग को अलग अलग नहीं जाना है, अलग अलग दिशा में नहीं जाना है, और एक होके एकजुट होके मांग करेंगे तो निश्चित रूप से। अब हम लोग यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर सरना का अभी भी बवाल चल रहा है, उसी की ही मांग को प्रमुखता से यहाँ पर उठाई जा रहा है और उसी पे ही राजनीति की जा रही है, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया है कि अलग अलग मांगने से तो नहीं होगा। ये कहा जाता है कि सरकारों ने हमारे खिलाफ में षड्यंत्र किया, जबकि गलतियाँ तो हम ही करते रहे हैं इतने सालों में, तो फिर सरकार तो यही देखेगी ना कि आप एकजुट हैं कि नहीं हैं, क्योंकि जितने भी 6 कॉलम कोड मिल चुके हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अलग अलग चर्च मंदिर शाखा में या फिर पंथ में बटे हुए हैं, मगर सबने एक एक अपना जो कॉलम में सबसे संतुष्ट हैं। तो इसी बात को हम लोगों को भी समझने की जरूरत है, और इसको भी क्योंकि अभी 2020 में जनगणना हो चुका होता, कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते ये स्थगित रहा, तो इसका हम लोग को मौका मिला है, मगर लोग अभी भी इसमें जो है गलत दिशा में लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं, समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी, ऐसा नहीं है, मगर जो है खिस्सा है वो हमारे समाज को गलत दिशा में ले जा रही है। तो यहाँ पर फिर हम लोगों को थोड़ा सा लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि सरना तो जब कॉलम मिलेगा, जैसे अन्य का कॉलम था, जैसे पहले सरना ही लिखे और बाकी अपना अपना अलग अलग भील कोंडी कोया पंडित टोटी जो भी लिखे अपना अलग अलग लिखे, उसी तरह से जो ये आदिवासी, ये तो बिल्कुल हमारे लिए विशिष्ट रूप से हमारे लिए एक कॉलम कोड हो जाएगा, जिसमें हम अपने उसी की पहचान को हम लोग अंकित करेंगे, वही रहेगा। बस ये बताना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो हिंदू के कॉलम में हम लोग तो लिखना नहीं है, मगर जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया है कि अन्य का कॉलम हटा दिया गया है, तो हमारे सामने कोई विकल्प ना रहे और जबरदस्ती धर्मांतरण किया जाएगा उसमें। वो जबरदस्ती धर्मांतरण इस तरह से होगा, क्योंकि अभी भी आप लोगों के जानकारी में भी होगा कि जब ST लिखाना चाहते हैं, आदिवासी लिखाना चाहते हैं, सरना लिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पर प्रज्ञा केंद्र में हिंदू ही लिख दिया जाता है। तो ये आप समझ लीजिए कि बहुत सोचे समझे तरीके से हमारी अपनी पहचान और अस्तित्व को खत्म करने की बात चल रही है। तो इसके लिए हम लोगों को सजग होने की बहुत जरूरत है, और ये धर्म और सिर्फ धर्म के मामला नहीं है, ये इसके आधार पे हमारी जनगणना होगी, जनगणना पर हेड काउंटिंग जो होती है, जनगणना में हमारा सही आंकड़ा पता चलेगा और उसके हिसाब से उसी प्रतिशत में हमारे फिर सभी योजनाएं और सारा जो स्वरूप है हमारे हिसाब से बनेगा, आरक्षण भी उसी हिसाब से बनेगा। इस बात को समझना होगा, जो लोग आरक्षण के विरोधी रहे हैं अभी भाजपा की सरकार में, उनको क्या, सवर्णों को भी आरक्षण मिल गया है 10% का, मगर क्योंकि हम तो सवर्ण में नहीं ना आएंगे अगर हिंदू बन गए तो, हमारी तो वर्ण व्यवस्था में कहीं जगह ही नहीं है, तो हम तो अति शूद्र में ही जाएंगे, शूद्र में तो आ नहीं सकते हैं क्योंकि उस व्यवस्था में भी हम नहीं जा रहे हैं, तो अति शूद्र की हालत में क्या होगा, कहने के तो हम हिंदू कहलाएंगे मगर सारे संवैधानिक प्रावधान हमारे लिए खत्म कर दिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा खतरा भी है और ये हमला भी है, तो इसीलिए हम लोगों को सजग होकर इस दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि सारा कुछ इसी पर टिका हुआ है कि अगर हमारी पहचान और अस्तित्व नहीं बना रहा तो फिर आगे हर तरह की मुसीबतों को झेलने के लिए हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासियों को तो वैसे ही बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता रहा है। अभी इधर 2018 में जिस तरह से SC ST एट्रोसिटीज एक्ट में जिस तरह का हुआ था और जिस तरह की मानसिकता उभर के सामने आई थी हिंदू समाज की, उसी से पता चलता है कि हम लोगों के बारे में किस तरह से विचार रखा जाता है। तो इसीलिए अपनी जो अपने आप को बचाने के लिए हम लोगों को इस तरह का काम तो जरूर करना है, इसमें इस अभियान में जुड़ना है और बाकी तक लोगों तक इस बात को भी पहुंचाना है, नहीं तो आदिवासी, क्योंकि अगर
इस जनगणना तक अगर हम लोगों को ये कॉलम नहीं मिलता है तो फिर हम लोग को अगले 10 साल तक उसका इंतजार करना पड़ेगा। उसमें तो एक पीढ़ी भी जो अपने पैदा होकर बड़ी भी हो जाएगी, और उसमें लोग, मुझे पता है क्योंकि अभी भी हम लोग देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे आदिवासी परिवार जो हर वर्ग में चाहे चाहे अपने आप को हिंदू रीति रिवाज में बहुत ढाल चुके हैं, और बहुत बोलने के बावजूद भी और बहुत कुछ होने के बावजूद भी वो उससे अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं। और यही चीज है जो आधार बना सरना सनातनी एक जो बात बोलने का, जो विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस इस बात को बोल रहा है कि सरना सनातनी एक है, इनको अलग से कॉलम कोड की क्या जरूरत है, तो उसका आधार भी यही है। तो जब तक हम लोग इस तरह से अपने आप को ढाल के रखेंगे तब तक जो है हम लोगों के लिए खतरा बना रहेगा। इन सब बातों को हम लोगों को समझने की जरूरत है। और इसके अलावा अभी जो बात हुई कि हम लोग के जो अपने आदिवासियों की जिस तरह की जमीन को हड़पा जा रहा है, कल को जब हमारा ये हो जाएगा कि हम भी हिंदू हो गए, तो जितने हमारे अपने जमीन को बचाने के लिए जितने भी कानून थे वो भी तो ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि हम भी तो हिंदू ही बन जाएंगे ना। तो वो हिंदू के जो हैं लोग बोलेंगे तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तो तुम्हारा ये विशेष पहचान क्यों, तुम्हें ये विशेष प्रावधान क्यों, तो सारा कुछ एक साथ धाराशाही होगा। तो